नमस्कार, मेरा नाम आर्यन संतरा, मैं यहाँ वेस्ट बंगाल पूर्व मिदनापुर के रहने वाला हूँ। फिलहाल मैं फतेहगढ़ में आर्मी में कार्यरत हूँ। मेरा 2021 जनवरी में शुगर डिटेक्ट हुआ था, फिर इधर अगस्त 8 तारीख को आया था। इधर आके मैं देखाया, इधर फर्स्ट में मेरा एलोपैथिक दवाई चला था, धीरे धीरे डॉक्टर साहब जो है जो आयुर्वेदिक दवाई दिए थे, और धीरे धीरे जो वो दवाई छूटा, फिर आयुर्वेदिक दवाई चलते रहा। 5 महीने टोटल में आयुर्वेदिक दवाई खाया, और अभी 1.5 महीना से मेरा दवाई बंद है। फिलहाल अभी मतलब अभी सब कुछ खराब करने के बाद मेरा 100 के पास आसपास मतलब शुगर नॉर्मल रहता है, और अभी कोई मेरा शरीर में कोई दिक्कत है नहीं, और मैं खूब मतलब अभी खुद को मतलब स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। और इधर डॉक्टर आज आया हूँ, ब्लॉक करने के लिए बुलाया गया मेरे को, और ब्लॉक करने के लिए आज दवाई पिलाया गया, और साहब ने बोला है जो नॉर्मल तरीका से खड़ा खाने से कभी और वापस नहीं आएगा। मेरा नाम नवल किशोर कुशवाहा हुआ, और मेरा एज 38 साल हुआ। मेरा घर बेतिया जिला के मझौलिया प्रखंड में हुआ। मैं शुगर टेस्ट जहाँ करा रहा था वहाँ से मालूम चला इस डॉक्टर साहब के बारे में, तो मोतिहारी जिला के रामगढ़वा प्रखंड में एक शिक्षक यहाँ इलाज चला रहे थे, और वो ठीक हो गए थे, उनके माध्यम से मालूम चला तो यहाँ आए। उस समय मेरा शुगर लेवल लगभग 260 था, और उस समय बहुत कमज़ोर भी था, तो यहाँ आके इलाज करना शुरू किया। इलाज लगभग 3 महीना दवा खाए, 3 महीना दवा खाने के बाद अभी हम दवा छोड़े हुए मेरा 2-2.5 महीना हो गया। कभी कभी मिठाई भी खा लेते हैं, खीर भी खा लेते हैं।